नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे पेंटिंग स्टॉक की, ऐसे पेंट स्टॉक की जो आप कह सकते हैं कि एक समय बड़ा दबाव, बहुत ज्यादा दबाव दिखाया, वहां से स्टॉक ने जिस प्रकार की शानदार तेजी दिखाई और वो भी बहुत बहुत कम समय में, मैं आपको दिखाऊंगा, वहां से वापस से गिरावट आनी शुरू हो गई है। और पेंट सेक्टर को लेकर के, सिर्फ इस स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो पूरा पेंट सेक्टर है उसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आने वाले समय के 2 से 3 क्वार्टर जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोस्तों, वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती हैं। और जो क्वार्टर 3 के नंबर्स आने वाले हैं वो किस तरह हो सकते हैं, और टेक्निकल लेवल में वो ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर ये स्टॉक बहुत शानदार दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए आपको, के लिए मौका दे सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में बातें करूंगा, उसके बाद उन पॉइंट्स की बात चर्चा करूंगा जहां पर ये कहा जा रहा है कि स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक आपके रडार में जरूर से जरूर होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार पे आते रहें इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें इधर, कांसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड, ठीक है, कांसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड। और मैं आपको अगर यहां पे दिखाऊं, आप देखिए इधर, स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग आप कह सकते हैं 2.5% के आसपास की गिरावट दिखाया था, लेकिन ये जो गिरावट हुई है ना दोस्तों, मुझे लगता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसने लेवल्स को तोड़े हैं, अपने बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा सपोर्ट को इस स्टॉक ने तोड़ा है, ठीक है, पहली चीज। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं स्टॉक का पिछला, आप 1 महीना देखें, 1 महीने में स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 7% टूट चुका है। और जिस तेजी की मैं बात कर रहा था ना दोस्तों, बहुत ही स्मॉल टाइम में हुई थी। जरा आपको 1 साल का चार्ट दिखाता हूं, आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक डंडी, आपको बता दूं मैं ये इस डंडी को बनने में कितना समय लगा है। ये रहा स्टॉक 400 रुपए, एग्जैक्टली 29 जुलाई को 400 रुपए का। और यहां से ये देखिए, मात्र ये रहा 29 जुलाई और 2 अगस्त, यानी मात्र 3 दिनों में स्टॉक लगभग 27% का रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका। और वहां से आप देखेंगे जो डिक्लाइन धीरे धीरे आप देखिए शुरू हुआ था, वो वापस से 18% तक तो आ चुका है। और अब ये जो गैप है शायद ये इसे फुलफिल करने आए, और ये बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं अगर दिखाऊं इसके बीच में जो ये गैप था, इसमें कौन से अच्छे लेवल थे जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए थी। ये 6 महीने का चार्ट है, ये आया नीचे और ये देखिए 430 रुपए, एक सपोर्ट था जहां पे स्टॉक को रुकना था, लेकिन 430 के आसपास दोस्तों रुकने की इसने कोशिश की। आप देखें ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे 430 के आसपास समय बिताने की कोशिश की, लेकिन अब 430 का भी लेवल टूट चुका है और स्टॉक एक बार 400 रुपए के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं दोस्तों कि ये जो स्टॉक है ना, ये अगर इफ 400 तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन अगर ये टूटता है देन 390, और अगर ये भी टूटेगा तो ये अपने शायद 52 वीक लो, जो कि मैं आपको बता दूं है, अब थोड़ा नीचे दिखाता हूं, जो 52 358 है, यानी कि 350 के आसपास भी जा सकता है। और अगर, यकीन मानिए, अगर ये 350 के आसपास जाता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही शानदार मौका होगा। और देखिए दोस्तों, जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए सबसे अच्छे लेवल्स हो दोस्तों करंट लेवल जो है ये काफी अच्छे लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे एक हिस्सा खरीदने, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की सोचें दोस्तों, क्योंकि, और मैं उन निवेशकों की बात कर रहा हूं जिनके पास पेशेंस हो। आने वाले दोस्तों 3 क्वार्टर थोड़े से टफ हो सकते हैं पेंट इंडस्ट्री के लिए, ये आप दिमाग में रखिएगा, तो शायद आपको उस प्रकार के रिटर्न ना मिले, लेकिन एक्यूमुलेशन के मौके अच्छे मिलेंगे।
350 के पास पास इंतजार कर सकते हैं, स्टॉक मिलेगा तो काफी अच्छे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको मौके देगा, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आने वाले 3 महीने अच्छे रहेंगे, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, 3 क्वार्टर ये कौन कह रहा है, आप देखें, एशियन पेंट्स, नैरोलैक, इंडिगो पेंट्स इन फोकस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सेज सेल्स टू रिमेन सबड्यूड फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months, आने वाले 3 से 4 महीने दोस्तों जो सेल है वो बहुत ज्यादा सबड्यूड रहेगी, ठीक है। देखिए आईसीआई सिक्योरिटीज ने बाय की लेवल दी किसको, एजियो नोबल को, जबकि उन्होंने कहा है टर्नआउट पिक, ठीक है, और ये इसकी टर्नआउट पिक थी एजियो नोबल की, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन मैं आगे चल के चलता रहता हूं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, द डीलर्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एक्सपेक्ट द मार्केट टू रिमेन सबड्यूड फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months एंड एक्सपेक्ट रिकवरी ओनली इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24, यानी आप समझिए जो Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24 यानी अगले साल, ये जो मार्च क्वार्टर के बाद का क्वार्टर जो शुरू होगा दोस्तों, मार्च जो महीना जाएगा उसमें Q4 के नंबर खत्म होंगे, उसके बाद जो समय आएगा Q4 का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। द रिपोर्ट मेंशन 4 reasons फॉर द इम्पैक्ट, आने वाले 3 से 4 महीने दोस्तों क्यों अच्छे नहीं रहेंगे और जो रिकवरी है वो सिर्फ Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24 में देखने को मिलेगी, इसके रीजन बात करते हैं। देयर इज री इमर्जेंस ऑफ स्मॉलर अनऑर्गेनाइज प्लेयर, दे आर लाइकली टू रीगेन सम लॉस्ट मार्केट शेयर, देखिए वापस से इमर्जेंस हो रहा है जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, जो दोस्तों कोविड के समय में इतने ज्यादा इनपुट प्रेशर आ चुका था इनके मार्जिन पे कि जो बहुत बड़ा मार्केट शेयर लूज करते चले जा रहे थे, अब वो वापस से कुछ मार्केट शेयर लूज करेंगे, जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं, जो लोकलाइज प्लेयर हैं दोस्तों उनकी बात हो रही है। वाइल पेंट इन्फ्लेशन हैज कूल्ड ऑफ नाउ, द लेबर इन्फ्लेशन रिमेन हाई एंड इज लाइकली टू रिजल्ट इन हायर ओवरऑल पेंटिंग चार्जेस, देखिए ये बात तो सही है कि भाई जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है वो तो कम हो गई है, लेकिन जो लेबर इन्फ्लेशन है वो अभी बहुत हाई है दोस्तों, जिसके कारण ओवरऑल जो पेंटिंग का खर्चा है वो बहुत ज्यादा होगा। ड्यू टू राइज इन स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, मैरिजेस एंड फेस्टिवल, द स्पेंड ऑन पेंट हैव स्लाइटली मॉडरेटेड, देखिए जब कोविड था ना उस समय लोग पेंट बहुत करवा रहे थे अपने घर को क्योंकि काम था, अब जब लोग दोस्तों ट्रैवल इकोनॉमी ओपन हुई है, लोग ट्रैवलिंग में, टूरिज्म में, ऑटोमोबाइल में, मैरिज में, फेस्टिवल में खर्चा कर रहे हैं, पैसे कहाँ बचाएंगे, पैसे वो बचाएंगे पेंट सेक्टर में, ठीक है, तो ये भी एक रीजन की बात कही जा रही है। अर्लियर कंज्यूमर यूज टू पे सेपरेटली फॉर पेंटिंग एंड वाटर प्रूफिंग चार्जेस, बट नाउ बोथ आर ऑफर्ड बाय पेंटर एंड रिजल्ट इन सम सेविंग फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। अब देखिए पहले क्या हुआ करता था ना दोस्तों कि पेंटिंग वाटर प्रूफिंग के चार्जेस अलग हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों ही चीजें एक साथ पेंटर ऑफर कर रहे हैं जिस कारण कंज्यूमर को कुछ सेविंग्स भी देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे है आईसीआई सिक्योरिटी दोस्तों एजियो नोबल को खरीदारी की बात कही है, लेकिन एशियन पेंट्स, कांसाई नैरोलैक और इंडिगो पेंट्स में ब्रोकर ने कहा है होल्ड की रेटिंग दी है, जबकि रिड्यूस की रेटिंग बर्जर पेंट में आ रखी है, और कांसाई नैरोलैक दोस्तों टूट चुका है और टेक्निकली बहुत अच्छी है अपने के लिए, सपोर्ट के आसपास खड़ा है, तो मुझे लगता है नैरोलैक में निवेश करना एक अच्छी बात हो सकती है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद।